लंकेश मुझे इस झगड़े में नहीं कुशल दिखाई देती है, जो जो विचार मैं करता हूँ क्यों क्यों बेचैनी पड़ती है। इतने पराक्रमी वीरो का जब पल भर में संहार हुआ तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। इसलिए हुआ है अब तक जो उसका अब पश्चाताप करे सजकर उनसे सब बैर भाव या कर शरण मिलाप करे। क्षमा याचना कर जाए तो कायर हंस हराएगा, थोड़े से इस जीवन के लिए बेकार दाग लग जाएगा। पक्का विश्वास न हो जब तक रावण तक तरक न मानेगा, कुछ भी हो पर मरते दम तक अपने दम पर लड़का मिला। अच्छा मानायोगी है तब गांव भी है क्या डालने की है, धन्य भाग्य जो खड़ी है होते श्रीहर के हाथों करने की। जो किया विभीषण भाई ने अफसोस उसी का भारी है, कुछ भेद घटाया लंका का उससे यही घटाई है। आप चिंता को त्याग दीजिए, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। धीरज रखिए अपने मन में, मैं आज रात को जाऊंगा, भर लूंगा देश विभीषण का, फिर माया जाल रचाऊंगा। उन दोनों तपसी लड़कों को सोते ही आज चुराऊंगा, पाताल पुरी में ले जाकर देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। अच्छा है यदि मानो दोनों फिर सारा यज्ञ करूंगा मैं। यदि पाप साथ भगवान हुए तो उनके हाथ मरूंगा मैं। हे पिताश्री अब मुझे आप युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा प्रदान करें। विजय हो। विभीषण काका तुम्हारी वजह से समस्त लंका के राक्षस जाति का विनाश होने के कगार पे है। अर्थात मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा ही रूप धारण करके तुझे कलंकित करूंगा और उन दोनों लड़कों को चुराकर देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। यह मेरा वादा है, हमारे पिता श्री लंके से हमारा वादा है, हम तुम्हें कलंकित करेंगे।
जीव शाही सेना संग्राम करते करते खर्च किया है। अतः हनुमान जी को रक्षक नियुक्त करके आप सभी लोग विश्राम कर लीजिए। इतनी रात्रि में कहां से आगमन हो रहा है? मैं तो प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर सागर तक संध्या करने गया था, उसी वक्त आने में विलंब हो गया। अच्छा, जाइए आप भी विश्राम कर लीजिए। कहा मैं तो यहाँ खाएंगे
सांस रखो और बताओ कलवाखरी को कौन है। कल रात्रि जब मैं पहरे पर था तब आप कहीं से आए थे उस घनघोर अंधेरे में कुछ बात नहीं कर पाए थे। विश्राम की बात बता करके जब आप प्रभु की ओर गए अच्छेव आप ही बतलाए किस तरह सुगर की ओर गए। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो समझा कि समय प्रभु की नाम से काफी था। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तब प्रभुवर की सेवा में फिर उन चरणों के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। पल पर जब आंख खुली जब कप दल नेत्र हाल था तो ऐसे जहां की पास आकर तू ना सब स्वयं स्थल था। हाँ अब आया समझ में क्या है यह उत्पाद। एक संदेश सुनने कहलाया कलरा रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है जिसके अधियारे का तो उसने कहा रचाया है। मेरे स्वरूप में था वह पर वर को उठा ले गया है दुख भंजन हमको दुख भंजन हमको छीन कर दुष्ट हमको दुख दे गया है। अब चाहिए कोई हिम्मत वाला जो पाताल लोक सिख जाए और अरे रावण का करके संधान श्री राम लखन को ले आए। हे शंकर सुन हे तेज चंदन हे तेन पित्र मत देर करे पापियों पर मजा चखाना है मत व्यर्थ यहाँ पर देर करे। यह काम आप कर सकते हैं मेरे कोई और कर सकता है। बिगड़ी है आज राम जी की कोई और सहायक कर सकता है। लंका में श्री रामराज बामर मंदिर की राज है फिर आज सुनाओ राज रही जी मित्र ईश समाज रहे। प्रभु की कृपा सदा मुझ पर साहस का कार्य कराती है एक बार फिर इस सेवक को इतने पथ पर ले जाती है। वीरो रहना सावधान कोई बात नहीं मैं जाता हूँ कर संहार सही रावण का प्रभु तो लेकर आता हूँ।
चेष्टा होइए बहुत। मुझे बात बताओ, जिसका तू तू कहलाता है उसका तू कुछ काम बता, बता बता उस दूर वीर का फिर उसका पूरा नाम बता। हे महाबली अध्ययन करो, तुम बड़ा रहे हो संता को, है पिता वही हनुमत मेरे जो जला बेहलता। मैं ही वह हनुमत वीर हूँ, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ, कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। सर के लंका का बहता जब जब मैं पूछ घुमाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में भर कर आई, मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ सत्कार से, मिल गया उसी को जाए पीछे या मतलब सत्ता लाल। बात का सिर आयुष्मान भगवत बताइए, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वह हाल तुम्हें बताता हूँ। मैं राम लखन का किंकर हूँ, श्री राम रूप कहलाता हूँ, हरलाया उनको वही रावण, मैं उन्हें छुड़ा ले आया हूँ। इस हेतु वह मेरा आना सच है, कुछ नहीं छुपाता हूँ। पिताजी मैं पता लगे अधिपति सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। सुनिए शैतान आप यह बतलाए, इस समय हक क्या है मेरा, है कर्म दिल है कर्म दिल, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। कर्ता से पूछते हो बेटा तो सुनो बात, संतुष्ट हुआ तुम निश्चय ही मेरे सुख हो, या सिद्ध यह पुष्ट हुआ। मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ, मैं महापति कहलाता हूँ, तुम भी सुगत की जोड़ हो। तुम अपना कर्तव्य करो, मैं अपना धर्म निभाता हूँ, कर अहिरावण का संहार कर तो कर जाता हूँ। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा, हम दोनों वे मल्लयुद्ध को भी और बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय पे निज जननी कहनी का जब है, फिर भी हनुमान का नहीं नंदन है, फिर भी मत्या नंदन है। आप धना पिता श्री मुझे आप पर गर्व है। जय श्री राम। Thank you.
Thank you.